नॉट गेट देखते हैं, लेकिन नॉट गेट, नॉट का मतलब जैसे आम होता है नहीं, है ना, तो इसको हम इन्वर्टर भी कहते हैं। इसका हम ट्रुथ टेबल चेक करेंगे, ठीक है, इसके ट्रांजिस्टर के साथ सर्किट बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सी आईसी इस्तेमाल होती है। जैसे नॉट में हमारे पास वाई इज इक्वल टू ए डैश होता है, यानी कि अगर इनपुट लो हो तो आउटपुट हाई होती है, और आउटपुट हाई हो तो इनपुट लो, देखें आउटपुट, इनपुट लो हो तो आउटपुट हाई होती है, इनपुट हाई हो तो आउटपुट लो होती है, ठीक है। इसको हम सिंपली एक ट्रांजिस्टर से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने 5 वोल्ट दिया, यहाँ पर हमने इनपुट दे दी, यहाँ पर हमने आउटपुट ले। देखिए ट्रांजिस्टर की बेसिक प्रॉपर्टी यह है कि जब इसकी बेस के ऊपर सप्लाई देते हैं तो ये कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब जब हम इसकी बेस के ऊपर सप्लाई देंगे, जब बेस के ऊपर सप्लाई देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसमें से फ्लो ऑफ करंट होना शुरू हो जाएगा, तो ये कंडक्ट करेगा। जब इसकी बेस के ऊपर सप्लाई नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब है ये एज ए स्विच के ऊपर काम तौर पर काम करेगा, यानी कि जब हम इस पर 1 देंगे, हाई देंगे, तो ये कंडक्ट करेगा, एज ए क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। जब इस पर 0 देंगे तो एज ए ओपन स्विच की तरह काम करेगा। अब देखिए हमने इस पर 0 दिया, 0 दिया तो इसने एज ए ओपन स्विच की तरह काम किया, तो हमारे जो सारे सप्लाई वोल्टेज थे वो आउटपुट के ऊपर मिल गए। ये वाला ऑफ रहा, ये वाला ऑफ रहा, तो यहाँ पे हमारे आउटपुट पे वोल्टेज मिल गया। अगर हम इसके ऊपर 5 वोल्ट देते तो फिर क्या होता, देखिए जब हमने इसके ऊपर 5 वोल्ट दिए तो ये क्या हुआ, इसने कंडक्ट करना शुरू कर दिया। जब इसने कंडक्ट करना शुरू कर दिया तो इसने एज ए क्लोज स्विच की तरह काम किया। जब क्लोज स्विच की तरह काम किया तो यहाँ के ऊपर, यहाँ वो सारे पोटेंशियल क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। तो इस जगह के ऊपर वर्चुअली कितने वोल्टेज होंगे, 0 होंगे, क्योंकि ये क्लोज स्विच है। क्लोज स्विच की वजह से ये वाला न्यूट्रल पॉइंट या 0 वोल्ट वाला पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो जब इसके ऊपर हमने 1 दिया, जब इसके इनपुट 1 दी यानी कि हाई दी, तो हाई के केस में ट्रांजिस्टर ने कंडक्ट किया और यहाँ पे ये एज ए क्लोज स्विच की तरह काम किया, सारे वोल्टेज इसमें ड्रॉप हो गए और यहाँ पे आउटपुट पे क्या आया, 0 आ गया। इसके पिछले केस में देखें, जब हमने इस पर 0 दिया था तो ये ऑफ हो गया, ये ऑफ हो गया ना, यहाँ पर, यहाँ पर करंट को गुजरने का पूरा रास्ता ही नहीं मिला। तो इसमें फ्लो ऑफ करंट 0 था, इसमें फ्लो ऑफ करंट 0 होने की वजह से यहाँ पे वोल्टेज कितने मिलेंगे, 5 वोल्ट मिलेंगे। तो सीधे वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहीं पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका सर्किट के साथ इसका क्लोज पाथ नहीं हो रहा, तो जो 5 वोल्ट यहाँ पे है वही 5 वोल्ट आउटपुट पे मिल रहा है। जब हमने 1 दिया तो यहाँ पे 0 मिलेंगे, क्योंकि एज ए क्लोज स्विच की तरह। इसके लिए 7408 यानी कि 74LS कह दें, 74HC कह दें, वो कंपनी के लिहाज होता है, बीच में यहाँ नंबर लिखा होता है, वो इस्तेमाल होती है। अगर 1 के ऊपर इनपुट दें तो 2 से आउटपुट ले सकते हैं। अच्छा, ऐसे जो भी हम इस्तेमाल करेंगे बेसिक गेट के लिए, उसको हम यूज़ गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। बेसिक गेट्स की सारी ऐसी जो होती हैं वो 14 पिन वाली होती हैं, ठीक है। 1 के ऊपर, 7 के ऊपर हम उस सब में ग्राउंड देते हैं, और 14 के ऊपर हम क्या देते हैं, VCC देते हैं। बाकी इंटरनल स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ता है क्या है आपका, ठीक।